नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक बाप क्यों बना कसाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल पूनम की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गवाला अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। क्योंकि वह गवाला था तो उसके पास काफी सारी गाय बछड़े थे जिन्हें वह जंगल में चरा कर लाता और उनका दूध, दही, घी बेचकर अपने घर का और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब जितना वह कमाता था उसी में उसकी बीवी संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका एक सा नहीं रहता है। वही उस ग्वाले के साथ हुआ। उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और चल बसी। अब ग्वाले के ऊपर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं ना, पिता मर जाए तो माँ बच्चों को संभाल लेती है और वो उनका पालन पोषण भी कर सकने में सक्षम होती है। अगर माता मर जाए तो बच्चों का पालन पोषण एक पिता सही तरीके से नहीं। ग्वाला अपनी गाय चरा कर लाता तो बच्चों के लिए भोजन नहीं तैयार कर पाता, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगा। बच्चे छोटे थे, बेटी 10-12 साल की थी और बेटा 8-9 साल का था। कुछ समय तो उसने ऐसे ही बिता दिया। अब उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत घर में आ गई तो वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और गवाला अपनी दूसरी बीवी में व्यस्त हो गया। जो उसकी दूसरी बीवी कहती वो वही करता। अब जो लड़का था वो 12 साल का हो गया था तो सौतेली माँ को बिल्कुल नहीं पसंद था। वो अपने पति से कहती कि आप क्यों जंगल जाते हो, ये लड़का कब काम आएगा। ये जंगल जाएगा और गाय बछड़ों को चराया करेगा। अब लड़का बेचारा सुबह जंगल जाता और शाम को गाय बछड़ों को चरा कर घर लाता। उधर जो लड़की थी वो भी 14-15 साल की हो गई थी। काफी समझदार थी। वो सारे घर के कामकाज करती और अपने भाई के लिए खाना लेकर जंगल पहुंच जाती। अपने हाथों से अपने भाई को खाना खिलाती, भाई बहन को खाना खिलाता। ऐसे ही दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह कहते थे, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह तो हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारे कैसे कष्ट भरे दिन आ गए हैं, तो उसकी बहन अपने भाई को बड़े प्यार से समझाती। तो क्यों घबराता है, तेरी बहन है ना। और वो अपने भाई का अच्छे से ढाढ़स बढ़ाती है। उसका भाई कहता, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन आंखों में आंसू भरकर अपनी माँ को याद करते और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो लड़का गाय चराने के लिए जंगल गया। जंगल में एक शेर आ गया। अब लड़का आगे आगे था और शेर पीछे था। लड़के दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहने लगा कि शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। तब शेर ने कहा कि देखो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें खाऊं, तो मुझे गाय या कोई बछड़ा दे दो जिसे मैं खाकर अपनी भूख मिटा लूं। वो लड़का कहने लगा, शेर भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो मेरे बिना रो रो कर मर जाएगी। मेरा पिता और मेरी सौतेली माता हैं, जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर तुमको फिर भी मुझे खाना है या गाय या बछड़ा खाने को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर कहने लगा कि ठीक है,
तुम अपने माता पिता से कल पूछ कर आना, तब मुझे बता देना, या तो मुझे गाय या बछड़ा देना, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगा। अब लड़का शाम को घर गया, तब वो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला, तो उसके पिता ने बिना बात पूछे, अभी उसकी पूरी बात हुई भी नहीं थी, तो पिता ने उसके गाल पर दो चांटे रख दिए। अब बेचारा रोने लगा, फिर भी वो कहने लगा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले आप मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जैसे तैसे करके उसने अपने पिता को पूरी बात बताई कि जंगल में मुझे कल भी शेर मिलेगा और उसने कहा है या तो वो मुझे खाएगा या कोई गाय या बछड़ा मैं उसे खाने के लिए दे दूं। ये सारी बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसकी सौतेली माँ कहने लगी, अरे गाय या बछड़ा नहीं कम होना चाहिए। पता है कितनी कीमत की गाय है, उसके दूध से ही तो हम अपना घर चलते हैं और तेरा हमारी जिंदगी में कोई महत्व भी नहीं है, तो इससे अच्छा है तुझे ही शेर खा जाए तो हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गाय या बछड़ा को खा गया तो कहाँ से लाएंगे हम गाय, और यह कहकर उसकी सौतेली माँ पल्ला झाड़ लेती है। अब वो बेचारा गुमसुम अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा, भैया आज तू इतना उदास क्यों है? तब वो कहने लगा, बहन आज मुझे जंगल में शेर मिला था और उस शेर ने मुझसे कहा है या तो मैं तुझे खाऊंगा या फिर गाय या बछड़ा में से एक मुझे दे दो। तब उसकी बहन उसे बड़े प्यार से समझाने लगी और कहने लगी, भैया तू तो मेरे जीवन का आधार है, तेरे बिना तो मैं रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती, और ये पूरे संसार में एक तू ही तो मेरा अपना है जिसे मैं अपना दुख सुख कहती हूँ। तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तुम एक काम करना, तुम जंगल जाना और शेर से कहना कि एक बछड़े को खा ले, क्योंकि गाय रहेगी तो बछड़ा तो और भी हो जाएगा। क्योंकि उसके पिता ने भी उसको यही जवाब दिया था कि अगर शेर तुझे खो जाएगा तो पुत्र तो और भी पैदा हो जाएगा। ये सारी बातें उसकी बहन ने सुन ली थी, तो उसकी बहन ने अपने भैया को समझाया कि गाय रहेगी तो बछड़ा और हो जाएगा, इसलिए तुम शेर से कहना कि बछड़े को खा ले। उसका भाई बोला, ठीक है बहन। अब वो जंगल गया तो शेर उसका इंतजार करते हुए मिला। शेर ने कहा कि कहो माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं। तब उस शेर को उस लड़के ने सारी बातें बताई कि कैसे उसके माता पिता ने कह दिया है कि मुझे खा ले, लेकिन मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। तब शेर एक बछड़े को उठाकर अपनी गुफा में चला गया और लड़का अपना खुशी खुशी गाय चराने लग गए। जब शाम को लड़का घर आया तो उसकी सौतेली माँ और उसका पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे, लेकिन एक बछड़ा कम था। ये जानते ही एक बछड़ा कम है, वे समझ गए कि जरूर वो बछड़ा शेर का निवाला बन गया है। इस पर उसके माता पिता जो सौतेली माता थी बच्चे पर टूट पड़े, और उसके पिता ने छड़ी उठाकर उस बच्चों को बड़े बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसको इतना मारा कि मारते मारते बच्चा बेहोश होकर गिर गया। तब वो लड़की देख रही थी और उसे अपने भाई को इतना बुरी तरह पीटना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। जब वह बेहोश होकर गिर गया तो उसकी बहन आई और उसे उठाकर अपने पास अपने कमरे में ले गई और उसे पानी के छींटे मारे, और वह जब होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया और खाना खाने के लिए दिया, और दोनों भाई बहन गले मिलकर काफी देर तक रोते रहे।
तब उसकी बहन ने कहा, भैया यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। एक काम करो, यह मेरी अंगूठी है जो मेरी माँ की मेरे पास निशानी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर जल्द से जल्द एक दो दिन में छोड़ दो। तुम कहीं भी रहकर अपना गुजारा कर सकते हो। चाहे तो जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर भी अपना पेट पाल सकते हो। तो जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। तुम रहोगे तो मुझे आस रहेगी कि मेरा भैया जीवित है और किसी ना किसी जिंदगी के मोड पर हम जरूर मिल जाएंगे। नहीं तो तुम मुझे अपना पता बता देना, मैं तुमसे मिलने वहीं आ जाया करूंगी। उसके भाई की समझ में सब बातें आ गई। वह कहने लगा, बहन तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन मैं तुझे कैसे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। तुमसे भी तो माँ बहुत काम करवाती है, बहुत मारती पीटती है। वह कहने लगी, भैया तू ठीक रहेगा तो मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन तू यहाँ से चला जा। उसका भाई उसकी बात मान लेता है और एक धागा उठाकर उसे अपनी बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है, बहन यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो एक दूसरे को देखकर पहचान लेंगे। ये कलाई का धागा कभी टूटने मत देना। वह कहने लगी, ठीक है भाई। जब दोनों बहन भाई बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ उन बातों को सुन रही थी। वह कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, इनको अच्छा मजा चखती हूँ। अब जब वह लड़का और लड़की सो गई तो उसकी सौतेली माँ ने अपने पति को जगाया और कहने लगी कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। उसका पति कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी उसका मांस लाकर देता हूँ। वो बाप इतना निर्दय इतना कठोर हृदय का हो गया, इतना कसाई हो गया कि उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस लड़के को अपनी बहन के पास से सोता उठाकर बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे पीस कर दिए। उन टुकड़ों को लाकर वह अपनी पत्नी से बोला कि ये लो, मनचाहा तल कर खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों को उठाया और उन्हें तलकर बनाने लगी। उनमें अच्छे से नमक मिर्च तेल डालकर जब वह उनको तलने लगी तो उसने एक थाली में अपने पति को परोस दिया और एक थाली अपने लिए परोस ली। तभी उसे ध्यान आया कि बहन भाई का तो बहुत गहरा प्यार है, क्यों ना बहन को भी परोस के भाई को खिला दूं तो बड़ा अच्छा आनंद आएगा। अब वह बहन को बुलाई और एक थाली में उसके लिए भी परोस दिया और कहने लगी, खाओ। अब उसकी बहन सोचने लगी, इतने प्यार से तो मेरी माँ ने आज तक मुझे नहीं परोसा, जरूर कोई बात है। जैसे ही वे लोग उस तले हुए मांस को खाने लगे, तभी बहन ने देखा कि उसकी थाली में वही उंगली आ गई जिस समय वह अंगूठी थी। अब वह बहन तुरंत पहचान गई, क्योंकि वह सुबह उठकर अपने भाई को खोज रही थी। वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि सुबह सुबह भैया शायद जंगल चला गया होगा, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया जब उसकी थाली में वो उंगली आ गई जिसमें अंगूठी थी। अब वो बहुत जोर जोर से अपने अंदर जाकर रोने चिल्लाने लगी, मेरे भाई को इन लोगों ने मार दिया, अब मैं बिना भाई की बहन हो गई, मेरा कौन दुख सुख सुनेगा। तभी उसे याद आया कि कहते हैं जैसे बड़े बूढ़े लोग कहते थे, तो वो सुनती थी कि इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती है जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं की जाती हैं। तभी उसने सोचा, मेरे भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी, ये तो मेरे भाई को खो गए। तभी उसने अपने भाई की वो उंगली उठाई और उसे लेकर दौड़ती हुई
चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वो उस अंगुली उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से विलाप कर रही थी। बड़े जोर जोर से वो रो रही थी, भगवान को याद कर रो रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और भगवान से यही प्रार्थना करती थी। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना। उस दिन भी वह कहने लगी, हे भगवान, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। एक मेरे पास मेरा भाई था, उसको भी तूने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया, अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। तभी उसने देखा और कहा कि मैं भी अपनी जान इस नदी में झोंक दूंगी। तभी उसने वह उंगली उस नदी में डाली और प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे भैया की मुक्ति हो जाए, वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी वह नदी में कूदने वाली थी कि उसने देखा जो उंगली उसने नदी में डाली है, उसका एक तोता बन गया और वह तोता उड़ गया, उड़कर एक पेड़ की डाल पर, जो पास में ही पेड़ था नदी के किनारे, उस पर बैठ गया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन तू क्यों दुखी होती है, मैं तेरा भाई हूँ। ये तूने अच्छा किया कि जो तूने नदी में यह उंगली डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया है। मेरी बहन, तू चिंता मत कर, मैं तोता रहकर भी तेरी हर तरह से मदद करूंगा। तुझे जो भी दुख सुख है, हम दोनों बहन भाई फिर भी आपस में बातें किया करेंगे। ये देखकर उसकी बहन को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरा भाई किसी भी रूप में मेरे पास तो है। अब वह घर लौट आई। अब उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम कराती और बड़ी खुश रहती कि चलो अब इसका कोई भाई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही काम से फुर्सत मिलती, वो लड़की बाग बगीचों में जाती और उसका भाई उसका इंतजार करता रहता। वह उससे खूब देर तक बातें करती। बातें करने के बाद भाई उसके लिए अच्छे अच्छे फल देता कि बहन ये खा लो। अब राखी का त्योहार आ रहा था तो वह कहने लगा कि बहन तुम चिंता मत करो, अगर हमारे माता पिता तुम्हें बाग बगीचे में भी नहीं आने देते हैं, तो मैं घर के आसपास किसी दल पर बैठा हुआ तुम्हें दिखाई दूंगा। तो बहन बड़ी खुश थी कि चलो उसका भाई उसका ख्याल रख रहा है। दोनों बहन भाई कम से कम बातें तो करते हैं। अब वो बहन थोड़ी शांत और खुश रहने लगी। अब राखी का त्योहार नजदीक था तो उसके भाई ने सोचा कि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। ये तो उन निर्दयी जालिम लोगों के बीच में रहती है जो हशर उन्होंने मेरा किया, कहीं मेरी बहन का ना कर दें। उनसे तो मुझे बदला लेना होगा। तोता बना उसका भाई, हमेशा उसके मन में अपने माता पिता के प्रति इतनी नफरत हो गई थी कि वो उन्हें जीवित देखना नहीं चाहता था। उसको यही डर था कि जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, कहीं मेरी बहन को भी काट कर ना खा जाएं। अब तोता ने सोचा कि मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बहन की रक्षा करना। तभी उसे ख्याल आया और वो एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार के पास जाकर कहने लगा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मुझे काट के थाली में परोसा, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ाए। फिर वो लोहार कहने लगा, अरे तोता तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर उस तोते ने कहा, माँ ने मरवाया, पिता ने मारा, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। अब उस तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी आई कि ये तोता क्या कहना चाहता है, इसकी बात मुझे सुननी चाहिए।
वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोता कहने लगा कि मैं और मेरी बहन है, एक परिवार है। उसमें मेरी माँ थी, पिता थे, जो मेरी माँ मर गई तो सौतेली माँ आ गई। वे हमें बहुत कष्ट देते थे और उन्होंने मुझे काटकर, कढ़ाई में पकाकर, थाली में परोसकर खा लिया। जब वो अपनी पूरी कहानी उस लोहार को बताता है तो लोहार समझ जाता है और कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी तो बड़ी दुख भरी कथा है, ये सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम कहोगे तो मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है, मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा। तब वो तोता कहने लगा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए एक ऐसी कतर बना दो जो तलवार से भी तेज हो। तब वो लोहार कहने लगा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए ऐसी कतर बनाऊंगा कि जो एक बार में ही अपना दुश्मन का काम तमाम कर दे। तो उस लोहार ने उस तोते के लिए ऐसी कतर बनाई जो बहुत तेज थी, जो तलवार से भी तेज थी। तब वो कतार बन गई तो लोहार ने कहा, तोता भाई, तुम्हारे लिए मैंने कतार बना दी है। तब तोता कहने लगा कि इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। उस लोहार ने उसके पंखों में उस कतार को छुपा दिया। अब वो तोता अपने घोंसले पर आ गया। उसने अपनी बहन को अभी कुछ नहीं बताया था। उसकी बहन उससे मिली, बातें की और भोजन को दोनों बहन भाइयों ने खाया और वो वापस घर चली गई। अगले दिन फिर तोता एक सुनार के पास पहुंचा और उस सुनार से भी कहने लगा, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बान उड़ी आया। जो सुनार था वो कहने लगा, अरे भाई, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो कहने लगा, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, मुझे काटकर कढ़ाई में तलवाया और बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। और वो सुनार ने उसकी बात कुछ कुछ सुनी तो उसे भी सुनने को उत्सुकता हुई कि ये तोता क्या कहना चाहता है। तब तोते से कहने लगा, दोस्त तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उस तोते ने कहा कि मेरे माता पिता ने, जो मेरी सौतेली माता है, मुझे मरवा दिया। मेरे पिता ने मुझे कुल्हाड़ी से काटकर छोटे छोटे पीस बनाए और कढ़ाई में तलकर दोनों माता पिता ने मुझे बड़े आनंद के साथ खाया, बड़ा स्वाद ले लेकर मुझे खाया है। मेरी बहन को भी उन्होंने मुझे परोसा, लेकिन उसमें उंगली आ गई तो मेरी बहन ने वो नदी में डाल दी, जिससे मुझे तोता का जन्म मिल गया। उसकी सारी कहानी सुनकर सुनार को उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो जाती है और सुनार रोने लगता है। कहता है, भाई तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तेरी तो बहुत दुख भरी कथा है, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? तब वो तोता कहने लगा कि देखो सुनार भाई, रक्षाबंधन आ रहा है और मैं अपनी बहन को कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए कुछ गहने बना दो। वो सुनार कहने लगा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या गहना बनाना है, मैं वो सब बना दूंगा। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा। तुम कहोगे कि पहाड़ पर चढ़ जा तो मैं उस पर भी चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सब मदद करूंगा। अब सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए तो उसने तोते से कहा, तोता भाई, तुम्हारे लिए गहने बन गए हैं, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी मुझे बता दो। अब तोता कहने लगा, नहीं भाई, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुमने जो मेरी बहन के लिए इतने सुंदर गहने बना दिए हैं,
अब एक काम करो, ये गहन मेरी गर्दन में डाल दो। और सुनार ने वे गहने उसकी गर्दन में डाल दिए और तोता वहाँ से उड़कर उस पेड़ पर आ गया। जिस पेड़ पर वह रहता था, उसी पेड़ के खोकल में जहाँ वह रहता था, उसी में उसने उन गहनों को भी रख दिया। अब जब रक्षाबंधन आया, उसकी बहन उसे राखी बांधने के लिए आई, तो दोनों बहन भाई बहुत खुश हुए। उसने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई, तो उसने कहा, भैया तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तब वह कहने लगा कि मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। गहने पाकर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब वह सोने के गहने पहने हुए थी, तो उसकी सौतेली माँ देखकर जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब वह कहने लगी कि मैं कहीं से भी यह गहने नहीं चुरा कर लाई हूँ, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है, वो पूरी बात नहीं बताती है कि वही मेरा भाई तोता बन गया है, नहीं तो मेरी माँ उसे मार देगी। तो वह कहती है कि एक तोता है, उस तोते को मैंने भाई बना लिया है, उस तोते ने ही मुझे ये गहन दिए हैं। ये सोचकर उसकी माँ सोचने लगती है, ऐसा कौन सा तोता हो गया है? एक भाई से तो अभी पीछा छूटा था, अब ये दूसरा भाई भी हो गया है। तभी उसकी माँ अगले दिन जंगल में उस तोते को ढूंढने के लिए जाती है। तभी डाल पर बैठा हुआ उसे एक तोता दिखाई देता है, तो वो उस तोते को बहुत पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता है। कई बार वो जल फेंकती है कि तोता फंस जाए, लेकिन तोता उसके जाल में भी नहीं फंसता है। थक हार कर वह बैठ जाती है और फिर कोशिश करती है कि ये तोता मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूं। वो सुबह से शाम तक उसके पीछे दौड़ दौड़ कर थक जाती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती है। अब वो घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। उसे वो सारे गहने छीन लेती है और कहती है कि बड़ी आई भैया वाली, तुझे किसने कहा गहने पहनने के लिए? ला इधर दे, और उससे सारे गहने छीन लेती है। जब अगले दिन वो लड़की फिर तोते से मिलने जाती है, तो तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने दिए थे वो गहने कहाँ हैं? तब वह कहती है, भैया वह गहने तो मेरी माँ ने मुझसे छीन लिए। ये सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि अब बस इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी चाहिए। अब वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि कब उसके माता पिता बाहर निकले। जब वो लड़की बाहर काम कर रही थी, तो किसी बात पर उसकी माँ उसे डांट रही थी और बहुत जोर जोर से डांट फटकार लगा रही थी और उस पर हाथ भी उठा रही थी। तभी उसका बाप भी आ गया और वो भी छड़ी उठाकर लड़की को पीटने लगा। ये तोता पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था, तो उससे देखा नहीं गया और वो दोनों मतलब अपने बाप और सौतेली माँ पर झपट पड़ा। उसके पंखों में छिपी हुई कतार थी, जो उसने उन दोनों की आँखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। तभी उसने कतार को अपनी चोंच से उठाया और उनकी गर्दन पर वार कर दिया। दोनों एक ही बार में धरती पर गिर पड़े और उनसे तोता कहने लगा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उन दोनों को कतर से मारकर मरणासन हालत में हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दो भैया, हमें क्यों मार रहे हो? तोते से कहता है कि हमारा तुझसे क्या बैर है? लेकिन तोता कहता है कि बैर?
तुमने तो मुझे काट कर थाली में परोस कर खा लिया और कहते हो मेरा क्या बैर है। तब वे दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब वह तोता अपनी बहन से कहता है, बहन चल अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहते हैं तो हमें अपने पुराने दिन याद आएंगे, जिन्हें सोच सोच कर हम दुखी होते रहेंगे। तो उसकी बहन भी कहती है, हाँ भैया हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों बहन भाई कहते हैं कि हम अब ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर हम दोनों बहन भाई साथ रहे और कोई हमें अलग ना कर सके। तभी वे दोनों वहाँ से चल देते हैं और चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं और तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों बहन भाई उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत संस्कारी थी, अब तोता भी बहुत पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें अपने पंखों को गिला करके लाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी माता रानी की बहुत पूजा करती है, शिव जी की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती माँ महादेव जी से कहने लगी कि देखो कितने दुखी बहन भाई हैं, उनकी सारी कहानी देखकर तो मुझे रोना आ जाता है। कितने मन से तन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी कहने लगे, पार्वती यह तो संसार सागर है, आप किस किस का दुख हरेंगी। लेकिन तब पार्वती कहती है कि नहीं, मुझसे इनका दुख नहीं देखा गया। दोनों बहन भाई हैं, आप जाइए और उसके भाई को पहले रूप में दे दीजिए। अब जब पार्वती मैया कहने लगती है तो शिव जी को तो आना ही पड़ता है। तो जब बहन पूजा कर रही थी और उसका भाई पख में पानी ला लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था, तभी महादेव पार्वती प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तो लड़की ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भैया पहले की तरह पहले रूप में आ जाए और हम बहन भाइयों को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर महादेव पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। अब वो तोता पहले के जैसे मनुष्य बन जाता है। तो दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं और महादेव पार्वती की कृपा से वे दोनों बहन भाई बहुत प्यार से रहने लगते हैं। अब दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे है। माता रानी कहती है, हे भगवान महादेव, जैसे आपने उस लड़की और लड़के का दुख दूर किया, ऐसे ही इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले के सभी दुखों को दूर करना है। किसी को इतना कष्ट ना देना, किसी बहन को किसी भाई से अलग मत करना है। भगवान जी किसी का भी दुख, ऐसा कष्ट, ऐसे सौतेली माता पिता किसी को ना मिले जैसी सौतेली माँ उसको मिली। कहते हैं ना कि बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। ऐसे ही उनके माता पिता के साथ हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल पूनम की आवाज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।